इस बीच उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छपरा से जावेद को अपने साथ कश्मीर ले जाएगी पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पटना आ रही है। जावेद को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस लेगी। बिहार पुलिस भी अपनी पड़ताल जारी रखेगी। जावेद को आतंकियों को 7 पिस्टल दिलाने का आरोप है और तब से आतंकी कनेक्शन जो सारण से निकलकर जम्मू कश्मीर पहुंचा है, इस पूरे कनेक्शन को खंगालने की कोशिश में बिहार की पुलिस भी जुटी हुई है और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस भी इसमें जुट गई है, जो ट्रांजिट रिमांड आज मांगेगी कोर्ट से और उसके बाद अपने साथ जावेद को लेकर जाएगी जम्मू कश्मीर। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश का बिहार कनेक्शन सामने आया है। सारण जिले के रहने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि दोनों भाई जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करते थे। हालांकि आरोपी भाइयों के घर वालों ने इन्हें बेकसूर बताया है। आतंकी साजिश में बड़ा खुलासा, आतंकियों से जुड़े सारण के तार, सारण के 2 भाइयों पर शिकंजा, पूछताछ में बड़ी साजिश का खुलासा। बिहार का सारण जिला एक बार फिर आतंकवादी गतिविधियों की वजह से चर्चा में है। पुलिस ने सारण के 2 भाइयों को जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के जुर्म में हिरासत में लिया है। आतंकियों के तार बिहार से जुड़ने के बाद बिहार पुलिस हरकत में आ गई है। कश्मीर में मिले पिस्टल का कनेक्शन जो है सारण से जुड़ा है। हम आपको बता दें कि मढ़ौरा के देव बहुआरा के रिटायर्ड शिक्षक मुश्ताक अंसारी के बेटे जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप है कि कश्मीर के मुश्ताक नामक युवक को 7 पिस्टल जो है इस जावेद ने ही उपलब्ध कराया था। इस बारे में जानकारी मिली है और हमारी जो टीम्स हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लगातार संपर्क में है और इस संबंध में जो फर्दर बात जब सामने आएगी तो हम आप सबसे जरूर शेयर कर लेंगे। दरअसल पुलिस ने सारण के मुश्ताक को 7 दिन पहले मोहाली से हिरासत में लिया था। मुश्ताक से पूछताछ के बाद सोमवार रात को उसके भाई जावेद को पुलिस ने सारण के मढ़ौरा से हिरासत में लिया। मुश्ताक मोहाली से JNM का कोर्स कर रहा था, जबकि इंटर तक पढ़ा जावेद कुछ महीनों से घर पर ही था। आरोप है कि जावेद ने 7 पिस्टल अपने भाई मुश्ताक को दिए। मुश्ताक ने ये 7 पिस्टल जम्मू कश्मीर के आतंकियों को सप्लाई किए। इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। वही घर वाले जावेद और मुश्ताक का बचाव कर रहे हैं। घर वालों का कहना है कि देश की सेवा करने के लिए जावेद सेना में नौकरी करना चाहता था और उसने कई दफा एग्जाम भी दिया था, फिर भला वो आतंकवादी गतिविधियों में कैसे शामिल हो सकता है। जावेद के पिता महफूज अंसारी रिटायर्ड टीचर हैं। उन्होंने अपने बेटे को निर्दोष बताया, साथ ही ये भी कहा कि अगर जांच में उनका बेटा दोषी पाया जाता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। कुछ भी नहीं मालूम सर, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी हम लोग नहीं, मेरा भाई लो निर्दोष है, हम लोग बस यही बस कहेंगे। उन लोगों को फंसाया गया है, कोई उस उन लोगों का फंसा दिया है बाहर वाला। हम लोग बड़े वाले भाई देश से प्रेम था, वो डिफेंस में जाना चाहता था सर। हम लोग को मालूम नहीं है, उन्हें लोग फंसाया होगा, कश्मीरी होगा कोई फंसाया होगा, हमारा बाबू को गलत सलत इल्जाम लगा कर फंसाया होगा, डेरा धमका कर। हमारा तो बाबू का यहाँ अपना धरती से बहुत मोहब्बत है, एकदम चाहेंगे कि उसको सजा हो, जांच सही हो, जांच सही हो, सही निर्दोष को दोषी नहीं होना चाहिए। मामले पर अब सियासत भी होने लगी है। यह अवैध हथियारों का जखीरा है और जब अवैध हथियारों का जखीरा है तो उसको प्राप्त करने का प्रयास करने वाले कहीं से भी आते होंगे। प्रश्न ये नहीं है कि यहाँ से हथियार कहाँ गया, प्रश्न ये है कि यहाँ हथियार बन कहाँ रहा है। यह एक बहुत गंभीर बात है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इस ओर, और ऐसे सारे अवैध हथियार निर्माता को पकड़ा जाए। बिहार पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। बिहार के डीजी ने जम्मू कश्मीर के DGP से डायरेक्टली बात की है और छपरा में छापेमारी भी हुई है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। यह कोई भी लिंक हो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हथियार निर्माण के लिए बिहार पहले से बदनाम है। आए दिन यहाँ अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा जाता है,
लेकिन आतंकियों के लिए यहां से हथियारों की सप्लाई होना मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाता है। ऐसे में जरूरत है वक्त रहते पूरे नेक्सस को खत्म करने की, वरना देश की सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकता है।